इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीवी आधारित शिक्षण में हम विद्यार्थियों का आकलन कैसे कर सकते हैं। आकलन के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम दो तरह के आकलन की बात करते हैं। तो आइए इन आकलन के प्रकारों को समझते हैं। रचनात्मक आकलन। इस तरह के आकलन को हम रेडियो प्रसारण के दौरान कर सकते हैं, जैसे चर्चा के बीच बीच में प्रश्न पूछकर या फिर कोई गतिविधि करवाकर जो आपकी विषय वस्तु से जुड़ी हो। योगात्मक आकलन। इस तरह के आकलन का प्रयोग प्रसारण के खत्म होने या विषय वस्तु के समाप्त हो जाने पर किया जा सकता है। यह आकलन पाठचर्या और पाठ्यक्रम के अधिगम सूचक प्राप्त कर पाए या नहीं, यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों का मूल्यांकन करने का महत्व। वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाए गए विषयों पर मूल्यांकन करने का अपना महत्व है। इससे नीचे लिखी तीन बातों का गहराई से पता लगाया जा सकता है। छात्र पढ़ाए गए विषयों की कितनी समझ बना पाए। अध्यापकों को छात्रों के साथ किस टॉपिक पर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्चुअल क्लास में एक शिक्षक के रूप में अध्यापक अपने पढ़ाने के तरीके को और अच्छे तरीके से समझ और सुधार पाएंगे। छात्रों के मूल्यांकन के तरीके। छात्र पढ़ाए गए विषयों की कितनी समझ बना पाए, इसे जानने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन टेस्ट, होमवर्क। ऑनलाइन टेस्ट। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर छात्रों को पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद छात्रों की विषय को लेकर बनी समझ को जानने के लिए तभी ऑनलाइन टेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए क्विज, बहुवैकल्पिक प्रश्नों या फिर विकल्पों को क्रम व्यवस्थित करने जैसे प्रश्नों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गृह कार्य। वर्चुअल कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को लेकर छात्रों में बनी समझ को होमवर्क, गृह कार्य से भी आंका जा सकता है। इसका फायदा यह भी है कि छात्रों को वर्चुअल कक्षा में पढ़ाए गए विषय को अभ्यास करने का मौका मिलता है। होमवर्क के लिए छात्रों से विषय से संबंधित गतिविधि करवाई जा सकती है, जैसे निबंध लेखन, प्रयोग करना, अभ्यास करना। इन गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। निष्कर्ष। कोरोना काल के चलते वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा पढ़ाना बहुत ही आम सी बात हो जाएगी। छात्रों के जीवन में भी यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए जरूरी है कि छात्रों को पढ़ाए गए हर विषय का अलग-अलग तरह से मूल्यांकन किया जा सके।